एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक का दिया है, लेकिन आप मान सकते हो 20 अक्टूबर तक का दिया होगा, क्योंकि 25 को ये आ गया था बुक मार्केट में, 25 से 27 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने कहाँ से जनवरी से लेके ऑलरेडी 31 जुलाई तक का करा दिया है न्यूज। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिस्कस करें अगस्त सितंबर और अक्टूबर जहाँ तक का दिया है। तो अभी हम डिस्कस करें नेशनल करेंट अफेयर्स, ये वाला पूरा पूरा एक एक चीज़ कंप्लीट है इसमें बहुत, क्योंकि अब जो करा चुके हो दोबारा थोड़ी कराएंगे, यही फ़ायदा मिलेगा आपको, जिस तरह मैं ऑर्गेनाइज करके कराता हूँ यही फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो हो गया है दोबारा नहीं कराऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर का डिस्कस करने वाले हम, नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले, दो वीडियो आ चुका है, छोटा छोटा वीडियो, ये लास्ट होगा या सेकेंड लास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की बुक ऑब्जेक्टिव, और क्राउन जी को, मतलब क्राउन जीके को फोकस करके हमने एक स्टैटिक जीके का कोर्स चलाया है। क्राउन एक लुसेंट का समझ लो अपग्रेडेड वर्जन है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर ही रहे हैं हम लोग, डेली वीडियो आता है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रैंकिंग आती है, रैंकिंग देखो, ये साथ साथ लिखने से पता है क्या होता है, ये डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन हम दोनों साथ साथ करें, और डिस्कशन का रिटेंशन पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैं सीधा सीधा लिख के या बुक से कराऊं। ठीक है ना? वो तो चलो बहुत ज़रूरी जल्दी रहता है, इसीलिए अब हर चीज़ लिख लिख के नहीं करा सकते, लेकिन करेंट अफेयर्स एटलीस्ट करा सकते हैं ना, और काफ़ी चीज़ जो करा सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, उसको लिख के कराने में ज़्यादा फायदा होता है, ताकि आपको याद हो जाता है यहीं पे। रैंकिंग, अब क्वेश्चन होता है रैंकिंग किस चीज़ का है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ध्यान देना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें आईआईटी मद्रास को 3 बार लगातार, 3 बार से टॉप जगह दिया गया है आईआईटी मद्रास को। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट। तो हम उत्तराखंड से तो डिस्कस कर ही चुके थे, अब जो नेक्स्ट हमारा है स्टेट, जो अगला स्टेट है, क्योंकि हम स्टेट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है एमपी। एमपी से क्या क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है साइबर सिक्योरिटी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कि हम कैसे ना कैसे करके साइबर अटैक से बचा जा सके। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश पहला कंट्री का पहला स्टेट है जो साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया है अपने पावर सेक्टर में, साइबर अटैक से बचा जा सके, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के लिए उसने प्लान लाया है, तो इसलिए मैम ये फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट है, क्लियर। सेकेंड न्यूज क्या है एमपी से रिलेटेड, एमपी का इंदौर शहर है, ये पहला सिटी बना है किस, एक रिपोर्ट के हिसाब से, रिपोर्ट का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है ना? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, इसमें इसमें मैंने किस इंदौर के बात की, इंदौर को वाटर प्लस सिटी डिक्लेयर किया गया, वाटर प्लस, ये पहला सिटी बना है देश का जो वाटर प्लस सिटी हो। ठीक है ना? वाटर प्लस सिटी हो, क्योंकि यहाँ वाटर प्लस किसको देते हैं, जो रिवर को या सैनिटेशन ये सब पे ज़्यादा ख्याल रखता है ना, उसको वाटर प्लस सिटी का डिजिग्नेशन मिल जाता है। दो तो बेसिक बेसिक न्यूज है, एक तो हमें पता है राज्यसभा और लोकसभा को मिला के संसद टीवी बना दिया गया है। टाटा की कंपनी ने क्या किया है, टाटा स्टील कंपनी, कार्बन से रिलेटेड बाद में ये लिख सकते हैं, इवन कार्बन मीन्स में भी कार्बन से रिलेटेड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला जो होता है ना, तो इसने एक कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया है, कार्बन कैप्चर प्लांट याद रखना है, कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर। ठीक है ना? चलिए एक और इम्पॉर्टेंट है, बस पर्सन से रिलेटेड है, अयान संकता, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है मुंबई के, जिनको 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वो पवाई लेक को कंजर्व करने में मदद कर रहे थे। ठीक
ध्यान देना, नाम रख दो आयान शंकता, ये 12 साल का लड़का है, ठीक है ना, ये मुंबई का है। इसको क्या अवार्ड मिला याद रखिए, 2021 इंटरनेशनल यंग इकोलॉजी हीरो, यंग इको हीरो, ठीक है ना, क्योंकि एक लेक है पोवई लेक। तो ये याद रख सकते हो कि पोवई लेक कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन से रिलेटेड हमारा हो गया। चलिए अब कुछ न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, बन जाते हैं, नीति आयोग फेवरेट टॉपिक हो है किसी भी एग्जाम का। चार इम्पोर्टेंट न्यूज है नीति आयोग से रिलेटेड। सबसे पहले नीति आयोग के अंदर एक अटल इनोवेशन मिशन है, पता है ना, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने दो ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया, एक है इसरो प्लस CBSE, ताकि बच्चों में स्पेस से रिलेटेड क्या की हो सके, थोड़ा सा ज़्यादा इनोवेशन बच्चों में कर सके। और इसी ने क्या चला है, इन तीनों ने स्पेस चैलेंज। चलिए क्लियर, बस इतना याद रखना है। अब नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट लाया है, किस किस बात पे, कि अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी को कैसे रिफॉर्म किया जा सके, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी को कैसे इन्हेंस किया सके, याद रखना, अर्बन रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी। कुछ फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने एग्जाम दिया होगा, तो अब इस रिपोर्ट के बारे में भी पूछने लगते हैं कुछ कुछ पॉइंट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और आसान जैसे BPSC वगैरह में, UPPCS में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब उनमें भी आप इनसे जो टारगेट वगैरह होता है ना वो पूछ लेते हैं। तो इसमें बताया कि अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में हम 500 हेल्दी सिटी बनाएंगे, ठीक है, और बाई 2030 हमारे सारे सिटी क्या होंगे, हेल्दी सिटी होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा, क्योंकि 2030 तक SDG का टारगेट भी पूरा तो करना है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, नीति आयोग से दो और न्यूज इंपॉर्टेंट है। एक है, हाँ, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, ध्यान देना, एक तो नीति आयोग, दूसरा है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलके, मतलब समझ ले एक नीति है प्लस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, इसने जॉइंटली लॉन्च किया है क्या, फोरम फॉर डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कार्ब ऐसे, देखो ट्रांसपोर्ट में ऐसे ईंधन यूज करना है जिससे कार्बन रिलीज नहीं होता, ये मेन काम होगा, ठीक है ना, और ग्रीन हाउस गैस कम से कम रिलीज हो, जितना रिड्यूस हो सके वो, ठीक है। ये कहाँ पे, पूरे एशिया रीजन के लिए बात किया, नीति आयोग प्लस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट, मतलब रिपोर्ट बोल सकते, नीति आयोग का रिपोर्ट काफी न्यूज में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लस UNDP का, इन तीनों ने कोलैबोरेट किया था और निकाला एक रिपोर्ट जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। देखो सबको पता है नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कम डेवलप है बाकी रीजन के हिसाब से, अगर जो हायर डेवलप स्टेट बोले उसके हिसाब से, तो इनको इनमें आपस में कंपटीशन हो कि कौन डेवलप कर रहा है, कैसे किसको पैसा मिल रहा है, उसी हिसाब से डेवलपमेंट वगैरह करेगा, पता चल जाए ना कि जो नीचे है उसको ऊपर करने के लिए आप उस पर मदद करो, तो इसलिए रिपोर्ट निकाला। इसमें जो सिक्किम का ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है ना, ये टॉप किया, ठीक है ना, और लास्ट प्लेस कौन लाया, नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किफीर, KIPHIRE, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये आया बॉटम, ठीक
ठीक है, देखो एक हमारी CISF ऑफिसर है जिनका नाम है गीता, गीता समोता। ये फास्टेस्ट इंडियन बनी है, फास्टेस्ट इंडियन जो चढ़ाई की दो, देखो एसी अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन, और आपको पता ना माउंट एल्ब्रस जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट है, एल्ब्रस यहाँ पे बताना यूरोप का सबसे हाईएस्ट है, ये रसिया का है, और अफ्रीका का तो सबसे हाईएस्ट मुझे याद है, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट है किलीमंजारो। ये दोनों पे सबसे फास्टेस्ट चढ़ाई के फास्टेस्ट इंडियन है, क्या नाम है, गीता समोता, ये याद रख लिया हमने। रेलवे वगैरह से हम तो हमने रेलवे और मिनिस्ट्री वाला तो हमने कर ही लिया। राजस्थान से रिलेटेड न्यूज है, पहला राजस्थान ने एक बिल पास किया है जिस बिल में वो क्या करेंगे, अमेंड करेंगे राजस्थान टूरिज्म बिजनेस एक्ट, ध्यान देना, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसान अगर राजस्थान का है वो किसी टूरिस्ट के साथ मिसबिहेवियर करता है तो एक क्राइम माना जाएगा, टूरिस्ट के साथ मिसबिहेवियर क्राइम माना जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा और अपलिफ्ट होगा, यहाँ पे टूरिज्म और बढ़ेगा। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, नीति आयोग वाला, यूपी वाला हमने डिस्कस कर ही लिया था। क्या मैंने एक चीज़, हाँ विजय विजय कल्चरल फेस्टिवल में मैंने आपको बता ही दिया था, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, फास्टर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, वो बनवाए होंगे किसी से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या होगा, कोर्ट से जो ई सर्टिफिकेट होते हैं ना, कोर्ट से जो ई सर्टिफिकेट होते हैं वो प्रिजन तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, मतलब जेल पहुंच जाएंगे वहां पे प्रिजन को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के द्वारा। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक कुंड बनाया गया, कुंड में क्या होता है, एक एक आप बोल सकते हो पॉन्ड टाइप का, कहाँ पे, क्या नाम है, परशुराम कुंड, परशुराम कुंड कहाँ पे बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और ये बनाया गया किस रिवर के पास है, लोहित रिवर, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू की, ये तो हमें पता है, ठीक। उसके बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डेज। सबसे पहले जिस दिन नीरज चोपड़ा, जैसे 7 अगस्त की उनकी जीत हुई तो उसको कर दिया क्या, जैवलिन थ्रो डे, थ्रोइंग जैवलिन थ्रोइंग डे, किस दिन, 7 अगस्त, क्यों हुआ तो आपको पता ही है, आपको पता है ना। उसके बाद जो 15 अगस्त को ओलंपियंस को जो जीते थे या बहुत जो नहीं जीते थे उन सबको इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट, ये हमें पता है, ठीक है, उन लोगों को इनवाइट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा हम 14 अगस्त को एक दिन बनाना शुरू किए हैं, दिन मनाएंगे जिसका नाम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसका इंग्लिश में है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। एक और दिन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 16 अगस्त को, ये बस बस ध्यान रखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये राइटर भी थी, फ्रीडम फाइटर भी थी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। हमारा एक बहुत अच्छा कैंपेन होता है वेस्ट टू वेल्थ,
वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो कचरा कूड़ा कचरा है उससे हम ऐसा कुछ बनाए जो वेल्थ हमारा हो, ठीक है। तो आप वेस्ट को क्या कर सकते हो, रिसाइकल करके अलग अलग चीज बना सकते हो। तो बिहार के बक्सर जिला में, बक्सर ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा, तो वहां पे एक बनाया क्या जा रहा है, डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेरेटर, ठीक है ना, इंसाइनेरेटर, ठीक है, क्या बोलना नाम है उसका, डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल। आपसे सिंपल पूछेगा कि क्या काम है और कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा से रिलेटेड बता चुके हैं, एक दो न्यूज बता चुके हैं, एक दो और बताते हैं। एक तो हम बता चुके हैं, भुवनेश्वर पहला सिटी बना है जो 100% कोविड एटलीस्ट फर्स्ट डोज दे चुका है। उसके अलावा एक और है, नवीन पटनायक जी के नवीन पटनायक जी ने हमारे 75वां जो इंडिपेंडेंस डे था ना उस पे अनाउंस किया है स्मार्ट हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, ठीक है ना, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को किस नाम से, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इसीलिए उड़ीसा पहला स्टेट बना है जो स्मार्ट हेल्थ केयर दे रहा है। इसमें क्या है कि फैमिली को 5 लाख रुपया मिलेगा, मतलब वो 5 लाख तक अवेल कर सकते हैं ट्रीटमेंट खर्चा, और वुमेन तो 10 लाख पर ईयर, ठीक है ना, ये याद रखना। तो उड़ीसा से रिलेटेड यही दो न्यूज है, इम्पोर्टेंट है, एक तो मैंने पहले ही करा दिया था कोविड वाले इशू में, ठीक है। उसके अलावा वुमेन की बात करें तो वुमेन से रिलेटेड और न्यूज है, दो वुमेन ऑफिसर हैं जिनका नाम है प्रगति और दिशा, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में अपॉइंट किया गया है दो वुमेन ऑफिसर को, एक का नाम है प्रगति और एक का नाम है दिशा, इनको चुना गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, चाइना बॉर्डर के पास, ठीक है। एक और न्यूज है हाईवे से रिलेटेड, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है ना, दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली हाईवे बन गया। क्यों, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन बीच में रखे, मेन तो यही प्रॉब्लम होता है ना कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन आपको बहुत सारे चार्जर जब तक नहीं होंगे तब तो क्या फायदा, ठीक है ना, बहुत सारे चार्जर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो मैंने पहले ही से आपको करा दिया था, वंदे भारत जो ट्रेन वाला था वो मैं आपको पहले ही करा चुका था। एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी, एक लिस्ट है 500 वैल्यू मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का लिस्ट है, उसमें एप्पल टॉप पे है। इंडिया की जो 500 कंपनी है ना, इंडिया 9th रैंक पे आता है, और इंडिया की टोटल कंपनी है 12 जो 500 में आती है, उसमें सबसे ऊपर है रिलायंस जो कि 57th नंबर पे आती है, ठीक है। जो भेल है ना, सॉरी भेल नहीं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो अपने पे जैसे सब अपना चैट बॉक्स नहीं लाते अपने वेबसाइट पे, इन्होंने अपना चैट बॉट लाया है जिसका नाम है ऊर्जा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कौन है, किस प्रोजेक्ट के अंदर, अनुभव प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने चैट बॉट का नाम रखा है ऊर्जा, लोग आराम से जो कस्टमर की क्वेरी आराम से कर सकते हैं। दो तीन न्यूज और इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका से एक न्यूज आ रही है, क्या न्यूज है, अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है ओहमियम इंटरनेशनल, इसने क्या किया है, बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में एक बना रहा है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक सेटअप कर रहा है प्लान, जिसका नाम क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। भाई हाइड्रोजन बनाओ, इम्पोर्ट जो पहले कर रहे थे इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका डिपेंडेंसी ग्रीन गैस पे ज़्यादा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा
उसके अलावा एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्वीप काउंसलिंग वर्कशॉप चलाया है। स्वीप किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फुल फॉर्म इसका देख लेना बस। हो गया, इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। क्यों क्यों मैं करा रहा हूँ? क्योंकि आपको जनवरी से जुलाई, 31 जुलाई पहले ही कर चुके हैं, और 2020 का नवंबर और अक्टूबर का कराने का कोई तुक बनता नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 3 ही महीने का, 3 महीने को एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको कोई डाउट हो इस नंबर पे कोर्स करना, आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, इवन कंट्रीब्यूट करना हो, तो इसी नंबर पे कुछ भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।